क्या है इस बुढ़िया माता मंदिर का इतिहास? आखिर क्यों आते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दर्शन के लिए? श्रद्धालुओं की यहाँ पे लगती है लंबी कतार। आइए हम जानते हैं विस्तार से क्या है मंदिर का इतिहास। हमारे संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार, आज हम बुढ़िया माता मंदिर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि भक्तजन अपने करबद्ध तरीके से लाइन लगा करके अपने अपने लाइन का इंतजार कर रहे हैं। सब लोग पूजा करने आए हुए हैं। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिन है। माता शैलपुत्री का आज पहला दिन है, जो सबको मुक्त सबको जो है अभयदान देती हैं, सारे रोगों दुखों को दूर करती हैं। माता बुढ़िया के माता के दरबार में हम लोग आए हुए हैं। आइए हमें पंडित जी, क्या नाम है आपका? चंडी सहानी। सहानी जी हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और सहायक पुजारी हैं पंडित दुर्गेश पांडे जी। आइए हम जानते हैं कि माता जी के महात्म के बारे में, कि यह माता जी का मंदिर कब बना और कैसे बना, उसके बारे में सब पांडे जी बताइए। ये बहुत प्राचीन समय का मंदिर है और माता जी की कृपा परम्पार है। यह माता जी की कृपा से एक काठ का पुल था, तो माता जी वृद्धा के रूप में वहाँ बैठी थी, तो बारात वाले जा रहे थे, उसमें चमड़ुआ नाच था, तो माता जी ने कही बेटा हमको भी नाच दिखा दो, तो सब कहे कि मुँह में दांत रहे मैं नाच दे रहा हूँ, फंस के चले गए। उसमें जोकर था वह नाचा और 5 बार बजाया, तो माता जी उससे बोली या तो तुम सबसे पहले आना तो बाद में आना, तो सबसे पहले आया। फिर माता जी उससे बोली तो जोकर ने नाच दिया। बारात वाले जब फिर उधर से आए तो माता जी ने बोली कि अब तो नाच दिखा दो खाली हो गए, तो सब बोले फिर परेशान कर रहे आ गए लू, तो फिर वो जो है कि मजाक उड़ाए, तो ही जो पीछे बीच पुल में टूट गया माता जी बुढ़िया ढाड़ा कुंड भगवती के नाम से उसे। और इस माता जी के दरबार महिमा परम्पार है, इस दरबार में जो भी भक्त आशा करते हैं वो निराशा नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बुढ़िया माता का जो दर्शन जो लोग करते हैं वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। पंडित जी इसके बारे में बताइए कि इस दरबार में माता जी की जो भक्त अगर दर्शन कर लेते हैं सच्चे मन से, मुरादें भी पूरी होती हैं और बड़े बड़े ग्रह भी सब दूर हो जाते हैं। और बहुत दूर दराज से लोग, बम्बई गुजरात महाराष्ट्र सब लोग आते हैं, और हर नवरात्र में हमारे सीएम जी मुख्यमंत्री जी भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज पांडे की रिपोर्ट।